पहले ही वीडियो बना चुका हूँ 10 ऐसे फीचर जो कि क्राइटा में अवेलेबल है पर एमजी हट्टा में नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो स्क्रीन के ऊपर आ रहा कार्ड पे क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो में बात करेंगे आप ऐसे फीचर्स जो कि सिर्फ और सिर्फ एमजी की हेक्टर में अवेलेबल हैं, और इसकी लिस्ट भी कोई 5-6 या 2-3 नहीं है, पूरी पूरी इसकी लिस्ट है 13 फीचर विच आर प्रेजेंट इन एमजी हेक्टर। पता चल ही जाएगा कि क्राइटा में ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो कि मतलब इतने काम के हैं या नहीं है, और या एमजी हेक्टर में ऐसे फीचर्स अवेलेबल हैं जो काफ़ी काम के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अपन। पहला फीचर जो कि हेक्टर में मिलता है वो है वॉइस असिस्टेंट मोर देन 100 कमांड्स। हेक्टर में अपने को वॉइस असिस्टेंट मिलता है लेकिन 100 से ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलते उसके अंदर। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स है जो कि हेक्टर में देती है पर क्राइटा नहीं दे पाती। सेकेंड फीचर, अपने को हेक्टर में 8 कलर एम्बियंट लाइटिंग मिलती है जो कि मतलब बॉटल होल्डर्स रहते जो सामने आर्मरेस्ट के आगे वहाँ पर लगती है, पैडल्स यहाँ पर रहते हैं मतलब एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच यहाँ पर रहती है, स्पीकर्स के साथ वहाँ पर रहती है जहाँ पावर विंडोज़ का कंट्रोल रहता है वहाँ पर रहती है, अलग अलग कलर्स की अपन वो इंफोटेनमेंट सिस्टम से वो कर सकते हैं। क्राइटा में भी अपने को एम्बियंट लाइटिंग मिलती है लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल ब्लू कलर एम्बियंट लाइटिंग रहती है, सिंगल ब्लू कलर की। थर्ड, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील। अपने को क्राइटा में भी स्टीयरिंग व्हील अच्छी मिलती है पर उसमें सिर्फ टिल्ट मिलती है, टेलीस्कोपिक नहीं रहती है। मतलब अपन हेक्टर में स्टीयरिंग व्हील को आगे पीछे ऊपर नीचे दोनों कर सकते हैं। अपने को क्राइटा में ड्राइवर सीट मिलती है पावर एडजस्टेबल 8-वे, हेक्टर में मिलती है 6-वे पावर एडजस्टेबल, पर हेक्टर अपने को 4-वे पावर एडजस्टेबल को ड्राइवर सीट भी मतलब देता है, और क्राइटा में भी मिलती है पर वो मैनुअल मिलती है, तो ये फीचर अच्छा है। फिफ्थ, रेन सेंसिंग वाइपर्स। अपने को हेक्टर रेन सेंसिंग वाइपर प्रोवाइड करती है जो कि क्राइटा नहीं करती है। सिक्स्थ, पावर बूट ओपन एंड क्लोज। अपन जैसे हेक्टर के आगे चाबी अपने जेब में, अपन जैसे हेक्टर के बूट के पास आते हैं तो खुद से ओपन हो जाता है, और जैसे अगर अपन वहाँ से पीछे या फिर कहीं और चले जाते हैं तो खुद से क्लोज भी हो जाता है। ये फीचर सबसे अच्छा है यार, और ये फीचर्स मैं बता दूँ सिर्फ मतलब महंगी गाड़ियों में मिलता है जैसे कि BMW आ गई, BMW जैगुआर मर्सिडीज, मतलब 50-60 लाख समझ लीजिए ऐसी गाड़ियों में मिलता है जो कि हेक्टर ने अवेलेबल करा है 20 लाख में। सेवेंथ, फाइंड माय कार लोकेशन। अपन अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ता है एमजी का, और मतलब जैसे अपनी गाड़ी कोई मतलब जैसे कोई दोस्त उस लेके गया हो तो मतलब पता चल जाती है गाड़ी कहाँ पे गई है, कहाँ पे अभी खड़ी है, लाइव लोकेशन और स्पीड लिमिट ये सब पता चल जाता है, अलर्ट्स रहते हैं वो सब पता चल जाता है इससे। एट्थ फीचर, रिमोट सनरूफ ओपन एंड क्लोज। अपने को क्राइटा में हेक्टर जितनी बड़ा सनरूफ मिलता है पर हेक्टर में अपन सनरूफ को रिमोट से ऑपरेट कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं और ओपन भी कर सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया फीचर है मेरी नज़र में, तो बहुत बढ़िया फीचर है ये। और उसके बाद आता है 9th, व्हीकल स्टेटस चेक। व्हीकल स्टेटस चेक यानी जैसे कि टायर प्रेशर क्या है, मतलब क्या कह सकते हैं, सिक्योरिटी अलार्म से और वगैरह वगैरह की चीज़ें अपन ऐप से कर सकते हैं इसको। हेक्टर में ये फीचर अवेलेबल है जो कि अपने को उसमें देखने क्राइटा में देखने नहीं मिलता। 10th फीचर, फ्रंट फॉग लैंप विथ कॉर्नरिंग। मतलब ये अपने को क्राइटा में देखने नहीं मिलता, फॉग लैंप अपने को क्राइटा में मिलता है लेकिन उसमें कॉर्नरिंग का फीचर नहीं है। जैसे मैं राइट की तरफ स्टेयरिंग व्हील टिल्ट मतलब घुमाऊंगा तो टायर जो जैसे ही मुड़ेगा तो वैसे राइट साइड का फॉग लैंप चालू हो जाएगा, और लेफ्ट साइड के मतलब जैसे दोनों चालू हैं तो उसमें से राइट साइड का चालू हो जाएगा, जिस तरफ स्टेयरिंग व्हील घुमाएंगे उस तरफ का चालू हो जाएगा चाहे फिर वो दिन हो या रात हो। तो ये फीचर काफ़ी बढ़िया है। 11th फीचर, 360 डिग्री व्यू पार्किंग कैमरा। क्राइटा में अपने को पार्किंग कैमरा मिलता है लेकिन वो सिर्फ रिवर्स वाला है, और हेक्टर में अपने को 360 डिग्री मिलता है, सामने साइड में ORVM से मिलता है और वगैरह वगैरह ऐसे करके। अब अपन चलते हैं लास्ट फीचर की तरफ जो है हीटेड ORVMS। क्राइटा में ORVMS मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल और फोल्डेबल मिलते हैं लेकिन हीटेड ORVM नहीं मिलते। बारिश के समय या ठंडी के समय जैसे ORVM से फॉग जम जाता है या पानी रहता है
मतलब हीटेड है तो मतलब वेवापरेट हो जाता है वो, जिससे ओआरवीएम जो है मतलब साफ़ हो जाता है। यही कुछ फीचर्स थे जो कि अपने को हेक्टर प्रोवाइड करती है, पर मतलब हुंडई की क्रेटा प्रोवाइड नहीं करती है। और वाला मेरा वीडियो देखिएगा जो कि क्रेटा प्रोवाइड करती है फीचर्स, लेकिन हेक्टर प्रोवाइड नहीं करती वो फीचर्स। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। और मुझे फेसबुक पे फॉलो करना नहीं भूलिएगा। फेसबुक में लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए मैंने, वहाँ से जाइए और मेरे को फॉलो कर लीजिएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।